ये अपना इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ, कोई छोटी मोटी आपस में घरेलू तकरार होने के कारण फायरिंग हुई, तो उससे एक आदमी के एक लड़का उसका मौके पे एक्सपायर हो गया। तो फिर हमारी तो इसलिए ड्यूटी लगी, आइयो तो थाने में भाई ये फिंगरप्रिंट रात को नहीं थोड़ा ले नहीं गए, वहाँ ड्यूटी थी इसकी इंस्पेक्टर की, ये शायद पुलिस लाइन में अभी एलो थे शायद पुलिस लाइन में। तो ये भी बताया जा रहा है सर इनके एक पुत्र वधु ने ऊपर से कूद के जान बचाई है। हाँ जी ये भी बात। तो अभी घायल कितने हैं सर इसमें? एक लड़का है जी इसका घायल, एक वह बहू है जी जो उसके भी शायद टांग टूंग फ्रैक्चर आ रहा है जी। अच्छा ठीक, बाकी थाने से आप पता कर लो, हमारे तो यहाँ फिंगरप्रिंट लेंगे नहीं कोई और व्यक्ति ना छेड़छाड़ करे किसी ढंग का, इसलिए यहाँ लगाए। अभी जो हमें पता लगा है कि इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने सरकारी वालों से अपने दो लड़कों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई है और एक उसकी पुत्र वधु वो घायल है, वो रोहतक रेफर किए हुए और पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है। सर जो सतबीर जी हैं कहाँ नियुक्त थे? और ये हमने पुलिस लाइन में आ रहे थे जी कत्ल में, झगड़े का कोई कारण सर? घरेलू अभी तो एसएसपी साहब जो रोहतक गए हुए बयान लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है, बयान के बाद में जैसी सूरत भी कर। तो सर ये घटना को अंजाम कहाँ दिया उन्होंने? अपने सरकारी क्वार्टर में गिरफ्तार कर लिए गए नहीं, अभी बयान अभी तफ्तीश शुरू करी है, तफ्तीश शुरू है।